भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो चुका है। चलिए नजर डालते हैं क्या कुछ खास रहा भारत आयरलैंड का पहला T20 मुकाबला। नमस्कार, मैं रीना आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम खेल दे दनादन में। भारतीय टीम ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की। 18 अगस्त को डलविन के मालाहाइड क्रिकेट क्लब ग्राउंड में पहला T20 मैच खेला गया। आयरलैंड ने भारत को 140 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 6.5 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन बनाए थे। तभी बारिश ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया। तेज बारिश की वजह से खेल को वहीं रोकना पड़ा और भारत को डकवर्थ एंड लुइस यानी DLS नियम के तहत 2 रन से विजेता करार कर दिया। वहीं बात अगर भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह की करें तो बुमराह ने चोट से उबरने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की, जो कि बेहद शानदार रही। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में 2 विकेट अपने नाम किए। 29 साल के बुमराह ने अपने इस प्रदर्शन के साथ एक खास रिकॉर्ड बना दिया। बुमराह चौथे ऐसे भारतीय गेंदबाज बन गए जिन्होंने किसी T20 इंटरनेशनल खेल के मैदान पारी के पहले ही ओवर में 2 विकेट झटके हों। वहीं बुमराह से पहले रविचंद्रन अश्विन भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या ही ऐसा कर पाए थे। इतना ही नहीं, इस साल T20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के बढ़िया प्रदर्शन से आयरलैंड ने एक समय तक 59 रन पर 6 विकेट गवा दिए थे। जसप्रीत बुमराह को अपने धमाकेदार प्रदर्शन के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। साथ ही बुमराह ऐसे पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान अपने डेब्यू मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। इससे पहले कोई भी भारतीय कप्तान ऐसा नहीं कर पाया था। आपको बता दें कि बुमराह T20 इंटरनेशनल में कप्तानी करने वाले भारत के पहले तेज गेंदबाज भी हैं। दोनों टीमों के बीच इस T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 अगस्त को इसी मैदान पर खेला जाएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। खबर से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं।